चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सियासी खबर की। बीजेपी आज यूपी के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी और थोड़ी देर में नामों का ऐलान होगा। कल ही लिस्ट का ऐलान होना था, लेकिन दिल्ली में देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली और टिकटों को लेकर माथापच्ची हुई, लेकिन नाम का ऐलान नहीं हो पाया। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूपी में कई उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में एकमत नहीं है, इसलिए रविवार को पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अटक गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति में 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, माथापच्ची की गई, मंथन किया गया और उसके बाद हालांकि इस लिस्ट को पहले ही 15 तारीख को आना था, लेकिन एक राय नहीं बन पाई नामों पर, जिसके चलते देरी हुई। और आज ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही हैं कि कई नामों को लेकर पार्टी में एक राय नहीं थी, जिसके चलते काफी देरी हुई। उम्मीदवारों के 50 नाम तय कर दिए गए हैं, जिनका ऐलान अब से थोड़ी देर बाद कर दिया जाएगा। तो इससे पहले बीजेपी गोवा और पंजाब के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है और आज यूपी और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की भी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता विवेक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, असंतुष्टों को संतुष्ट करना, जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती रही है बीजेपी के लिए। किस तरीके से ये पूरी लिस्ट तैयार हुई है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है? देखिए, क्राइटेरिया तो सबसे बड़ा यही है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने एक एक सीट पर काम किया है और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो क्राइटेरिया है वो जीतने का है। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया यह है कि उसकी छवि खराब ना हो, दागी ना हो। इसके अलावा ओवर एज नहीं होना चाहिए, यानी 70 से ऊपर के जो प्रत्याशी हैं उम्र के, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के भी जो MLA हैं सिटिंग में, जिनकी उम्र 70 क्रॉस कर चुकी है, उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। ये सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं। 145 सीटों पर बीजेपी को अपने प्रत्याशी आज घोषित करने हैं। दो चरण के प्रत्याशी होंगे और बाकी के जो प्रत्याशी होंगे उनका 90% करीब कल घोषित कर दिया जाएगा। जो बीजेपी के गठबंधन दल हैं, खासतौर से अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल का गुट है, इसके अलावा भारतीय समाज पार्टी, जिनसे बीजेपी की बात हुई, उनके लिए कुछ सीटें छोड़ दी हैं। ये सारे ऐसे दल हैं जिनके बारे में अभी बीजेपी ने कोई अंतिम फैसला नहीं किया है कि किसको कितनी सीटें देनी है, और आज शाम तक या कल तक इस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। अनुप्रिया पटेल का जो गुट है अपना दल का, उसने तकरीबन 20 सीटों पर अपना दावा ठोका है, लेकिन यह माना जा रहा है कि शायद बीजेपी 7 से 10 के बीच में अपना दल को सीट दे सकती है और 4 या 5 सीटें जो भारतीय समाज पार्टी है उसको दी जा सकती है। इस पर अभी अंतिम बातचीत होनी बाकी है। कुछ लोग जो बीजेपी में BSP से शामिल हुए थे, उन्होंने कई सारे दावे किए थे, खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये खबर आ रही कि उन्होंने 30 सीटों की डिमांड की थी, और उनका ये अपने करीबियों से कहना है कि जब बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराया था तो 30 सीटों की बात की थी, लेकिन अब बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है, तो इसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी है उनकी। उनकी भी बातचीत अभी होनी बाकी है कि उनको क्या ऑफर किया जाएगा। शायद 2 से 3 सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो बाकी के लोग हैं, वो तकरीबन 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी आखिरी समय में फैसला करेगी। शायद आज शाम को या कल इस पर फैसला हो जाएगा, फिर इन सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर किए जाएंगे। लेकिन पहले फेज में फिलहाल कोई समस्या नहीं है, दूसरे फेज में भी कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो दोनों लिस्टें आज घोषित की जा रही हैं। 1 बजे के आसपास ये माना जा रहा है बीजेपी अपने पहले और दूसरे चरण के 145 प्रत्याशियों को आज डिक्लेयर करेगी। बिल्कुल, तो थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो चुनाव आते ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है और अपनी सुविधा के मुताबिक नेता पार्टी बदल रहे हैं। आज उन्नाव में समाजवादी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब विधायक कुलदीप सेंगर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कुलदीप सेंगर राजा भैया गुट के माने जाते हैं और बड़ी बात यह है कि कुलदीप सेंगर अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, अरविंद सिंह गोप के रिश्तेदार हैं और कुलदीप सेंगर उन्नाव से विधायक हैं। और हमारे संवाददाता विवेक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जो कुछ भी चल रहा है समाजवादी पार्टी में, उसको लेकर अब लोग भी अपने आप को सेफ नहीं सोच रहे हैं, नेता अपने आप को सेफ नहीं सोच रहे हैं, शायद इसीलिए पाला भी बदल रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में जो सीट सिंबल का विवाद चल रहा है उससे विधायक बहुत पशुपेश में है और वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। आज एक विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्नाव की भगवत नगर सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी के। ये 3 बार लगातार MLA रहे हैं, कुलदीप सेंगर, एक बार BSP से भी वो विधायक रहे हैं। इनकी जो भगवंत नगर सीट है ये उस सीट को छोड़कर एक दूसरी उन्नाव की सीट से लड़ना चाहते हैं। ये बात अब कितनी मानी जाती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के पास जाकर दिल्ली में आज बीजेपी ज्वाइन करी है। उसके अलावा एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं बिठूर के, उन्होंने ज्वाइन करी है। अभिजीत सांगा उनका नाम है, RK सिंह पटेल जो BSP से पूर्व सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। और अंतिम समय में जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, माना जा रहा है कि शायद उनको भी टिकट का कन्फर्मेशन दिया गया है। इसके बाद उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर 3 बार के विधायक है, जाहिर है इस बार भी वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। उनकी दिक्कत ये थी कि वो जिस सीट से विधायक है उसके अलावा उन्नाव की एक दूसरी सीट से वो टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, जिसके लिए सपा तैयार नहीं थी। उसके बाद फिर जिस तरह से टिकटों का कलह हुआ, सिंबल का कलह हुआ, उसको लेकिन एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी कि आज लिस्ट जारी करनी है बीजेपी को, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके से पाला बदलना, क्या संकेत इसको माने, क्या उनको भी जगह मिलेगी इसमें? निश्चित रूप से ये जो सिटिंग MLA हैं और जो दूसरी पार्टी के बड़े नेता हो, भले ही वो विधायक ना हो, उनको सीटों का कमिटमेंट किया जा रहा है। बीजेपी 70 से 80 सीट ऐसी अपने पास उसने चुन करके रखी है जो दूसरे दलों से आए बड़े नेताओं या विधायकों को दिया जाएगा। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज जब पहली लिस्ट आएगी जिसमें 145 सदस्य होंगे, प्रत्याशी होंगे, उसको देख करके अंदाजा लग जाएगा कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को कितनी तरजीह दी जा रही है, कितनी तवज्जो मिल रही है। ये आज ही इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि इस लिस्ट में भी खासतौर से पहली और दूसरे फेज के जो चरण के इलेक्शन होने, जिसकी सूची जारी होने जा रही है, इसमें भी तमाम ऐसे लोग हैं जो BSP छोड़ करके या समाजवादी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी, उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती है ये देखना होगा, और इसके बाद आगे की तस्वीर भी उसी हिसाब से चलेगी, ये माना जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।